अपने शोहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त दी जाए, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बेगम की तरफ से जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। मौकिफ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त है, अहलकारों की मौजूदगी में मुलाकात के बायस खानदान के मामलों पर बात नहीं हो पाती। इस्तेदा है कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला को मेरे शोहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात जारी किए जाएं, तो बुशरा बीबी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और मौकिफ इख्तियार किया गया है कि अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त है, अहलकारों की मौजूदगी में मुलाकात के बायस खानदान के मामलों पर बात नहीं हो पाती। इस्तेदा है कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला को मेरे शोहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात किए जाएं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे आदिल से दबासी से। आदिल बताइएगा इस दरख्वास्त में मजीद क्या लिखा गया। जी आदिल, देखिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की तरफ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अपने शोर से तन्हाई में मुलाकात की इजाजत दी जाए। बुशरा बीबी ने अपनी दरख्वास्त में कहा है, दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती अहकाम पर हर मंगल को चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाजत है, अहलकारों की मौजूदगी में मुलाकात के बाद खानदान के मामलों पर बात नहीं हो पाती। इस्तदा है कि सुप्रीम अडियाला को मेरे शोर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकाम जारी किए जाए, ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जाने से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी।